गाइज हम तो पहली बार आए यहाँ पे, हमने सोचा था इतना सुंदर होगा मतलब, बट भाई सामने से देखने में देखो भाई इतना सुंदर है ना भाई, इतना ज्यादा सुंदर। दिल्ली में इतने सारे फूल है ना। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो अभी सुबह से मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ, बिकॉज आज जा रहा हूँ दिल्ली राष्ट्रपति भवन। जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। आलू का पराठा साथ में दही। बाकी पीयूष और प्रणाली गए हैं स्कूल, तो वो तो आ नहीं पाते बिकॉज स्कूलिंग हो रही है उनकी, तो जब छुट्टियां पड़ेंगे तब लेके चलेंगे उनको। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, सबको बाय बाय बोलता हूँ और निकलता हूँ सीधा दिल्ली के लिए, बिकॉज जल्दी से पहुंचना है। सभी व्लॉग देख रहे हैं यहाँ पे, चलो अम्मा बाय 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 बाय। और गाइस मैं जा रहा हूँ यहाँ से अकेले दिल्ली फॉर्च्यूनर लेके, फिर वहाँ पे मैं मिलने वाला हूँ पीरू से, पीरू को पिक करेंगे और फिर चलेंगे साथ में। तो घर से निकल गया हूँ, अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा 5 घंटे बाद दिल्ली। 5 hours later पहुंच चुका हूँ मेट्रो स्टेशन पे। हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हैं? राष्ट्रपति भवन। हाँ। राष्ट्रपति भवन सुरक्षा। तो भी गाइस मैं सीधा आ गया हूँ राष्ट्रपति भवन में, बिकॉज आज का मेरा शूट यहीं पे है, यहाँ पे है अमृत उद्यान। तो अंदर ना बहुत ही प्यारी जगह है, तो पीरू रोड में जा रहे हैं, आपको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, पूरा घुमाएंगे। वो देखो सामने, वो है राष्ट्रपति भवन, हमको वहीं जाना है। और गाइस यहाँ पे ना राष्ट्रपति भवन म्यूजियम भी है, जहाँ फिर कभी चलेंगे। अभी तो हमको अमृत उद्यान में जाना है ना, तो चलते हैं सीधा। हाय कैसे हो? ठीक हो? तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मेन एंट्री पे अमृत उद्यान की। ये देखो गेट नंबर 35 से सभी एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, तो चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको। चल, और ये है पूरा अमृत उद्यान का मैप, तो इस मैप को फॉलो करके चलेंगे हम, ठीक है? पूरा घूमेंगे। हाँ पूरा घूमेंगे आज पूरा दिन। तो सबसे पहले हम आए हैं बाल वाटिका में, और यहाँ पे है ये जो सामने दिख रहा है ना बीच में, ये वाला पेड़ जिसमें देखो ट्री हाउस बना हुआ है, ये है 225 साल पुराना। 225 साल हो गए, 225 साल। और ये पेड़ बोलता है, सुनो ध्यान सुनो, उसमें स्पीकर लगा हुआ है, तो वो अपने बारे में बोल रहा है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं ट्यूलिप गार्डन में। ये देखो जो ये वाले फ्लावर्स हैं ना, ये सारे ट्यूलिप हैं, यहाँ पे जितने भी है ना सारे ट्यूलिप हैं। इस गार्डन को पूरा ट्यूलिप गार्डन बोलते हैं, यहाँ डेली के 50-60 हज़ार लोग आते हैं भाई। तो अब गाइस हम आए हैं बोनसाई गार्डन में, यहाँ पे जितने भी पेड़ है ना सारे छोटे छोटे पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पे सारे जो पेड़ है वो छोटे छोटे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, तो इसको बोनसाई बोलते हैं देखो। और ये मैं अपने नए घर में भी लगवाऊंगा। और गाइस अब हम आ गए हैं म्यूजिकल फाउंटेन में, ये देखो सामने, ये म्यूजिक के हिसाब से चलता है, म्यूजिक की बीट के हिसाब से, थीम के हिसाब से जैसा म्यूजिक होगा वैसे चलेगा। तो गाइस अब हम आ चुके हैं राष्ट्रपति भवन के बैक साइड में, और जो ये एरिया ना इसको बोलते हैं लॉन गार्डन। सब्सक्राइबर भी आ गए हमारे, बट एक प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, हवा बहुत तेज चल रही है, मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी यहाँ के फ्लावर्स देखो कितने प्यारे प्यारे से हैं भाई, सारे अलग अलग गमले में पड़े हुए, कितने मस्त लग रहे ना। और हम इतनी फ्रेश वाइब आ रही है यहाँ पे आके, फ्रेश फूल सारे। गाइस यहाँ पे और सब्सक्राइबर मिले हमको। पता है वो कहेगा हाय मम्मा मैं क्यों नहीं गया? आप सभी कुछ क्षेत्र से हैं? हाँ जी सर, सिर्फ एक ही ब्रेक मिलता है कि सर का ब्लॉग देखना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपकी मम्मा की खिचड़ी तो हमें ही पसंद आ गई है, एक दो बार मैंने देखा है ना, तब कभी आना खाने के लिए आप आइए गुजरात, प्लीज मोस्ट वेलकम इन गवर्नर हाउस, जरूर आइए प्लीज। अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल बैक साइड में राष्ट्रपति भवन के। हाउ आर यू? थैंक यू। गाइज यहाँ तो इतने सारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, इतने सारे। गाइज हम तो पहली बार आए यहाँ पे, हमने सोचा था इतना सुंदर होगा मतलब, इतने सुंदर सुंदर फूल होंगे यहाँ पे, मतलब हमने फोटो और वीडियो में तो देखा था, बट भाई सामने से देखने में देखो भाई इतना सुंदर है ना भाई, इतना ज्यादा सुंदर। दिल्ली में इतने सारे फूल है ना, यहाँ स्कूल के बच्चे भी आ रखे देखो। और यहाँ पे देखो गाइस मेडिकल रूम भी है इमरजेंसी के लिए, किसी अगर किसी को इमरजेंसी होती है। और ये देखो कैक्टस की सारी स्पीशीज है यहाँ पे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं रोजेस देखने के लिए लॉन्ग गार्डन में। अभी हम लॉन्ग गार्डन में थे, अब हम जा रहे हैं लॉन्ग गार्डन में। और यहाँ पे सब तरह के रोजेज हैं, सारे रोजेज हैं, राइट और लेफ्ट में ना सारे रोज हैं। अब हम आ गए सर्कुलर गार्डन में, ये देखो पूरा गोल है ना ये, और वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि एक भी जाएगा तो सारे आ जाएंगे ना, बट बहुत ही सुंदर है। और गाइस यहाँ पे ना हर फ्लावर का QR कोड बना हुआ है, अगर आपको
फ्लावर के बारे में जानना है तो बस स्कैन करो और आप जान लोगे। तो यहाँ पे आपको हर हर फ्लावर का दिख जाएगा। यहाँ सारे एक साथ आ जाओ, सारे एक साथ आ जाओ। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर। गाइज बहुत ज्यादा भीड़ होगी थी, मैं आ गया निकल के और स्कूल के बच्चे आ गए हैं यहाँ पे। गाइज यहाँ पे तो मीटअप हो गया है, ये देखो। दबाओ दबाओ मत, अरे चलो चलो। अभी हम आ गए फूड कोर्ट में, ये है क्यूरियो शॉप। यहाँ से कुछ गिफ्ट वगैरह ले सकते हो, देखो एंटीक एंटीक चीजें हैं सारी सारी एंटीक एंटीक। कुछ लेना है? दिला दो। हाँ गाइस बच्चों का इतना प्यार है ना, बच्चे बस फॉलो करे जा रहे हैं हमको। कुछ खाना है? कुछ खाना है लो। ये देखो यहाँ पे फूलों की घड़ी बना रखी है, फ्लोरल क्लॉक। ये एक्चुअल में घड़ी है, देखो। भाई मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ भीड़ हो जा रही है, धीरे 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 पास आ रहे हैं। गाइस यहाँ पे आके मैं ज्यादा ब्लॉग नहीं कर पा रहा, ज्यादा दिखा पा रहा आपको, बिकॉज सारे बच्चे बच्चे सारे मेरे पीछे आ रहे हैं, फिर सिक्योरिटी वालों को हटाना पड़ रहा है। अभी हम बर्ड वाले एरिया में हैं पूरे। तो भी गाइस मस्त घूम के आ गए हैं, और यहाँ पे आने के लिए ना बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट नहीं है, कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कोई भी आ सकता है। मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दे रहा हूँ राष्ट्रपति भवन की, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है और आपको QR कोड मिलेगा, वो दिखाना है बस। यहाँ पे 35 नंबर एंट्री गेट है, वहाँ से आना है बस। तो अब चलते हैं गाड़ी तक, फिर उसको ड्रॉप करूँगा और फिर मैं भी जाऊँगा अब घर पे। चलो भाई अब निकल रहे हैं बाहर, तो अब मैं पीरू को ड्रॉप करता हूँ और चलता हूँ सीधा अपने घर पे, और फिर मैं कल निकल जाऊँगा हल्द्वानी के लिए। पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन। भाई फोन तो ले जाओ अपना। अब मैं निकलता हूँ सीधा अपने दिल्ली वाले घर पे, आज वहीं रुकूंगा, फिर सीधा हल्द्वानी निकलूंगा कल सुबह 5 बजे। तो अभी घर पे पहुंच चुका हूँ और आज मुझे अकेले रहना पड़ेगा, तो मैंने बर्गर मंगाया था खाने के लिए। चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, कल निकलूंगा सीधा हल्द्वानी के लिए। पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अभी घर पे पहुंच, मैंने बर्गर मंगाया था खाने के लिए, भूख लग रही थी। Tell you what it's all about.